एक लोजपा जो है हमारा घर था, 25 वर्षों तक लोजपा में ही रहे, 25 वर्षों तक लोजपा में ही रहे, चाहे परिस्थितियां जो भी रही हो, लेकिन एक ही जगह रहे, घर एक ही रहा मेरा। रामा सिंह चुनावी मैदान में 2024 में आएंगे, यह तय है, यह तय है। जिसके पास जन होता है उसी के पास शक्ति होती है, तो रामा सिंह की भी शक्ति का आकलन मैं खुद करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, रामा सिंह जो पहले थे आज भी वही है और आगे भी वही रहेंगे, उसमें कोई रामा सिंह में परिवर्तन जो है नहीं होना है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। 4 दिसंबर महासम्मेलन, संकल्प महासम्मेलन करने जा रहे हैं रामा किशोर सिंह, पूर्व सांसद। हम इनसे बात करेंगे, किस बात का संकल्प, क्या है मुद्दा? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा एक है कि जो इस मंच से, रामा विचार मंच से जुड़े लोग हैं उनका महासम्मेलन है, और सभी लोग इकट्ठा, पूरे बिहार के इस महासम्मेलन में इस मंच से जुड़े लोग हैं उन्हीं लोगों को इकट्ठा होना है, और उसी सम्मेलन में जो राय परामर्श करके जो बातें आएगी उसको संकल्प के रूप में पूरे बिहार में लेकर के आगे की रणनीति, किस विषय पर राय, यह लोगों की राय पर है। महासम्मेलन में जो तय होगा, उसी विषय पर। कहीं रामा सिंह यह तो नहीं जानना चाहते कि 2024 में जनता का मूड क्या है, सभी को एक मंच पर लाया जाए और उनसे जाना जाए कि रामा सिंह चुनावी मैदान में आए या नहीं, पहले जनता से पूछ ले। नहीं, देखिए, रामा सिंह चुनावी मैदान में 2024 में आएंगे, यह तय है। और रामा सिंह 24 घंटा 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, उनको उनका मूड क्या है वह भी रामा सिंह को बहुत भली भांति पता है। इसलिए उन सब चीज़ों के लिए यह महासम्मेलन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि यह महासम्मेलन रामा विचार मंच से जुड़े इस बिहार में जितने लोग हैं उनका इकट्ठा होना और उनकी राय जानना, अपनी राय आदान प्रदान करना, इस महासम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य ही। अच्छा, सभी ने एक ही सवाल पूछा, क्या शक्ति प्रदर्शन होगा? हम भी यही सवाल लेंगे, क्या रामा सिंह एक बार दिखाना चाहते हैं कि वही रामा सिंह है जो पहले थे? नहीं, वो देखिए, यही बिल्कुल बिल्कुल, रामा सिंह जो पहले थे आज भी वही है और आगे भी वही रहेंगे, उसमें कोई रामा सिंह में परिवर्तन जो है नहीं होना है। और शक्ति प्रदर्शन, जब हजारों लोग जब इकट्ठा होंगे तो यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिसके पास जन होता है उसी के पास शक्ति होती है, तो रामा सिंह की भी शक्ति का आकलन मैं खुद करूंगा, रामा सिंह की शक्ति का आकलन मीडिया के जो हमारे साथी है वो करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो करेंगे, सब लोग जो है देखेंगे। तो इसको आप शक्ति प्रदर्शन ही माने, शक्ति प्रदर्शन ही कहें कि रामा विचार मंच का शक्ति प्रदर्शन ही है। घर कौन सा? नहीं, घर देखिए, घर तो घर हमारा है, बेघर नहीं है, और बार बार घर बदलने वाले लोग तो हम लोग हैं नहीं। हम लोग का लंबा इतिहास है राजनीति में, लंबा इतिहास है। आज तक एक लोजपा जो है हमारा घर था, 25 वर्षों तक लोजपा में ही रहे, 25 वर्षों तक लोजपा में ही रहे, चाहे परिस्थितियां जो भी रही हो, लेकिन एक ही जगह रहे, घर एक ही रहा मेरा। वर्षों बाद जो है परिस्थिति बस किसी कारण बस बदला, तो वहीं पे हैं, आज भी वहीं हैं। 2024 में क्या? 2024 में नहीं, वो सब देखिए, वो सब कहे ना कि वो सब हम लोग का नहीं है विषय। अब आने दीजिए, पहले आप 4 दिसंबर को देख लीजिए, उसके बाद सभी लोग इकट्ठा होंगे, सभी लोगों की राय जो है हम करेंगे, जानेंगे, अपनी राय देंगे, उसके बाद जो है फिर। एक पत्रकार ने सवाल किया तो आपने जवाब दिया कि मेरी पत्नी राजद में है तो मैं भी राजद में ही हूँ और राजद का ही सिपाही हूँ, तो क्या माने, रामा सिंह जो हैं वो राजद की ओर ही हैं? आप 4 तारीख को जब महासम्मेलन हमारा ख़त्म होगा उसके बाद यह राय, मैंने कहा कि इस विचार मंच से जुड़े जो लोग हैं उनकी मैं राय लूँगा, उनसे मैं जानूँगा, अपना राय मैं दूँगा, उनसे परामर्श के बाद ही मैं अपना निर्णय दूँगा। मैं व्यक्तिगत निर्णय किसी पर थोपने का काम मैं पहले भी नहीं किया हूँ और आगे भी नहीं करूँगा। अच्छा, आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की उसमें युवाओं की बात आपने की है। बिल्कुल, आपने युवाओं के मुद्दे की बात की है, इसमें मैं पढ़ रहा था, तो आपको क्या लगता है, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी युवा हैं, रोजगार की बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है अभी युवाओं
के संदर्भ में जितना काम सरकार को करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही? नहीं नहीं, सरकार तो कर ही रही है। मान ली तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हम युवाओं को नौकरी देंगे, तो आप देख रहे हैं कि लाखों लाख नौकरी जो है एक एक दिन में मिल रहा है, एक एक दिन में लाखों लाख लोगों को नौकरी दिया जा रहा है, और उस दिशा में आगे भी हो, बेरोजगारी दूर हो, उस दिशा में सरकार काम कर ही रही है। सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और तेजस्वी जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बिहार के लोगों का विकास, जो युवा है उसके रोजगार की बात बुलंदी से करते हैं। रामा सिंह आज ऐलान करने बैठे हैं कि 2024 में सिचुएशन कुछ भी हो, चुनावी मैदान में तो रहेंगे ही रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी मैदान में रहेंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं। वर्तमान में भी मुद्दे क्या दिख रहे हैं, और खासतौर पर आप सक्रिय भी हैं वैशाली में, आप लगातार वक्त भी बिता रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में भी वक्त बिता रहे हैं। वैशाली में ही हम नहीं बिता रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में हम सासाराम भी जा रहे हैं, भोजपुर से भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा भोजपुर से भी हम लड़ रहे हैं, तो सभी जगह हमारा कार्यक्रम होता है। क्या दिख रहे हैं अभी जब आप इतना घूम रहे हैं? तो देखिए निश्चित रूप से बेरोजगारी एक समस्या है, और उस दिशा में तेजस्वी यादव प्रयास कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि उनका प्रयास सफल होगा। अच्छा, जातीय आधारित जनगणना का तो रिपोर्ट कार्ड आ गया, आज विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश किया गया, आप इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने यदि काफ़ी परिश्रम करके जातीय जनगणना करवाया है, और जो उनके कर्मचारी जो उनके हैंड्स थे उसके माध्यम से हुआ, तो उसको सिर्फ मौखिक रूप से यह कह देना कि यह गलत है मैं उचित नहीं समझता हूँ, यदि उस तरह का लगेगा और उसमें कहीं सच्चाई दिखेगी तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे उसके। अब तक सही लग रहा है क्योंकि आंकड़ों पर भी बहुत सवाल? नहीं नहीं, देखिए वो आंकड़ा जो है वो राजनीतिक आंकड़ा है कि कोई लोग उसे गलत कह रहे हैं, सरकार ने किया तो सरकार सही कह रही है, और सरकार ने करवाया है तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नज़र से देखेंगे, और उसमें कहीं सच्चाई होगी तो आवाज़ उठाएंगे, निश्चित रूप से आवाज़ उठाएंगे। अब तक सच्चाई दिख रही है रामा सिंह को? ये सिर्फ अंदाज से कहना गलत होगा, अंदाज से कहना होगा, उस सच्चाई जब होगा वो तो सामने आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि यदि गलत जो है आंकड़ा पेश किया जाएगा तो वह सही हो जाएगा, नहीं होगा। यदि है और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जब आंकड़ा सही मिल जाएगा, सही मिला तब उस पर मैं कुछ बोलूँगा। तो आपने सुना, खैर स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक लोजपा जो है हमारा घर था, 25 वर्षों तक लोजपा में ही रहे, 25 वर्षों तक लोजपा में ही रहे, चाहे परिस्थितियां जो भी रही हो लेकिन एक ही जगह रहे, घर एक ही रहा मेरा। रामा सिंह चुनावी मैदान में 2024 में आएंगे, यह तय है। जिसके पास जन होता है उसी के पास शक्ति होती है, तो रामा सिंह की भी शक्ति का आकलन मैं खुद करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, रामा सिंह जो पहले थे आज भी वही है और आगे भी वही रहेंगे, उसमें कोई रामा सिंह में परिवर्तन जो है नहीं होना है। एक लोजपा जो है हमारा घर था, 25 वर्षों तक लोजपा में ही रहे, 25 वर्षों तक लोजपा में ही रहे, चाहे परिस्थितियाँ जो भी रही हो लेकिन एक ही जगह रहे, घर एक ही रहा मेरा।